दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में। ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आपने अपने लाइफ में कभी देखा होगा कि कोई घटना होती है, उसमें आप कंटिन्यू सोचते रहते हो। अगर मान लो, अगर वो थिंकिंग अगर आपकी 15 मिनट में, एक घंटे में, एक दिन में ख़त्म हो जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो दिनों दिन चलती है तो समझ लीजिएगा आप ऑब्सेशन में आ चुके हो। मतलब आप उसी के बारे में सोच रहे हो, रिपीटेशन ऑफ थॉट्स। अगर वो चीज़ कंटिन्यू रह जाती है तो फिर आपको ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम होता है। ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम मतलब वही एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सिस्टम आगे चलना चाहता है। तो इसमें अभी समझने वाली बात क्या है कि हमें इस पैटर्न को ब्रेक करना है। उसके बारे में सोल्यूशन हम आगे देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब ये ऑब्सेशन एक्चुअल में कंपल्शन में आ जाता है। मतलब क्या, आपने बहुत बार देखा होगा कि बार बार हाथ धोने वाले लोग, बार बार लॉक चेक करने वाले लोग, हर चीज को प्रॉपर जगह रखने वाले लोग, अगर मान लो कि आपने उसकी चीजों को डिस्टर्ब कर ले तो उनको बहुत गुस्सा आता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि लाइट के स्विच को बार बार चेक करते हैं, गैस का नॉब बंद किया कि नहीं चेक करते हैं। मतलब इन शॉर्ट हर चीज को वो रिपीट करेंगे, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं होते। इन शॉर्ट आप ऐसे लोग देखोगे कि जो एक ही चीज को रिपीट 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 करते रहते हैं, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये हाईएस्ट एंजाइटी डिसऑर्डर है, मेडिसिन इसके ऊपर वर्क नहीं करता। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हिप्नोटिज्म वर्क करता है। हाँ, मेडिसिन से हम उन्हें कुछ लेवल तक शांत रख सकते, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं है। बस ये तरीका है ओसीडी से ठीक होने का। अगर इस टेक्निक से अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो बहुत क्रोनिक है। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे संपर्क करें, हिप्नोथेरेपी के माध्यम से मैं आपके ओसीडी को पूरा ठीक कर दूंगा, गारंटी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।